मेरा नाम शिवानी है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई एक नए व्लॉग के साथ। एंड गाइस, अभी यहाँ पे समर खत्म हो गए हैं, फॉल आ गया है। मैंने एक लास्ट व्लॉग बनाया था समर एंड का, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जरूर जाके देखे, काफी अच्छा है। सो गाइज, आज का ये व्लॉग मैं अपने पैटियो से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी एक DIY करने वाली हूँ। सो मैंने सोचा मैं पैटियो से स्टार्ट करती हूँ ताकि घर में मेस ना हो और उसके पार्टिकल्स वगैरह ना इधर उधर जाए। सो मैं यहाँ से शुरू करूंगी, इट्स इजी टू क्लीन। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एंड टाइटल देखे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये व्लॉग नवरात्रि डेकोरेशन का है। सो मैं बेसिक सा डेकोरेशन करने वाली हूँ। मैं हर साल कुछ नया डेकोरेशन करती हूँ। सो जो स्टफ मेरे पास पहले से है वो मैं यूज करूंगी एंड कुछ मैंने एड ऑन किया है। सो दोनों मिला के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रहता है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए गाइज, मैं शुरू करती हूँ। एंड जो DIY मैं करने वाली हूँ ये मैंने YouTube से इंस्पायर होके मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बहुत दिनों से मेरा प्लान था, मैंने सामान लाके रखा हुआ था बट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। सो आज मैं देखती हूँ कैसा रहता है। सो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम जहाँ भी ये DIY करने वाले हैं उस एरिया को अच्छे से कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, या आप कोई बड़े से बॉक्स में भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा जगह भी गंदा नहीं होगा। एंड ये जो स्प्रे पेंट है ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। एंड ये जो बोल्स आप लोग देख रहे हैं ये मैंने डॉलर स्टोर से लिए हैं, और ये डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है। आप कोई सा भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम इन्हें अच्छे से स्प्रे कर लेंगे, और ये पेंट बहुत ही ईजी रहता है, जस्ट आपको इसे प्रेस करना हो जल्दी जल्दी से हो जाता है। गाइज, ये मेरा काम हो गया और मैंने ट्राई किया कि मैं मास्क पहन के करूं ताकि कोई भी पार्टिकल्स मेरे अंदर ना जाए फॉर सेफ्टी रीजन से। और अभी मैं इसे 4 to 6 hours ड्राई होने के लिए दूंगी एंड देन आई विल डू सेकंड कोटिंग। देन उसके बाद ये ड्राई होगा 4 to 6 hours अगेन एंड देन उसके बाद मैं इसे ज्वाइन करूंगी। सो चलिए मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ एंड इसे मैं अभी ड्राई होने देती हूँ। सो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और इन बिटवीन मैंने एक बार और अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया था। एंड उसको ड्राई होने के बाद मैंने वुड ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया। आप कोई भी ग्लू लेकर उसे अच्छी तरह से स्टिक कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और अभी मैं इस पर लास्ट कोटिंग कर रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए दे दूंगी। एंड आफ्टर दैट मेरे ये ब्यूटीफुल से मटके रेडी हो जाएंगे। किसी भी ओकेजन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, दिवाली डेकोरेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे नवरात्रि के लिए यूज़ करने वाली हूँ। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। सो गाइस, जैसे ही मेरा DIY का काम फिनिश हुआ मैं अभी इंडियन स्टोर आ गई हूँ। मुझे कल के लिए पूजा का कुछ सामान लेना है, कोकोनट लेना है, पान के पत्ते एंड वो सारी चीज़ें। और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे से दिए हैं, और अभी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो यहाँ पर पूजा का सारा सामान मिल जाता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता US में कि कोई भी सामान नहीं मिलेगा। ये देखिए पूरा एक आयल है जिसमें सारी पूजा की ही सामग्री है, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ मिल जाती है। सो गाइस, जल्दी से मैं यहाँ से जो भी सामान मुझे लेना है मैं फटाफट से पिक करूंगी एंड देन मुझे जाके डेकोरेशन करना है। सो ये ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं नवरात्रि का पंडाल बनाऊंगी, कैसे मैं वो डेकोरेशन करूंगी एंड आगे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और अब मैं अपना डेकोरेशन स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये जो पीछे आप लोग एरिया देख रहे हैं इसे मैंने क्लीन कर लिया है और खाली भी कर लिया है। सो मैं ये ब्लू वॉल यूज करने वाली हूँ अपने डेकोरेशन के लिए, काफी ब्राइट है तो अच्छा लगेगा। और ये जो लाइट्स आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो अगर आप कोई भी डेकोरेशन करने वाले हैं उसमें लाइट जरूर ऐड करिएगा, काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है। आप छोटा सा भी डेकोरेशन करेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, अभी मैं शुरू करती हूँ। गाइज, आज का डेकोरेशन मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड भी हैं, क्योंकि ये डेकोरेशन में कुछ हेल्प चाहिए हो रहती है, कभी होल्ड करना रहता है, कभी पिन वगैरह चाहिए रहती है, तो अकेले करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैंने उनकी हेल्प ले ली है। और इस तरह से सबसे पहले मैंने एक स्टैंड लगा लिया है। ये स्टैंड आपको कहीं भी मिल जाता है, तो हमारे पास ऑलरेडी था तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं भी है तो आप जस्ट वॉल में भी हैंग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लगता है। एंड ये जो कर्टन्स हैं ये सैटिन के हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपिंग कलर्स में है, तो ये कोई भी डेकोरेशन को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं, तो मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ। और ये कर्टन लगाते लगाते हमने बीच में रियलाइज़ किया कि हमने इसे उल्टा लगा दिया है।
एंड गाइज इट्स गुड दैट वी नोटिस बिफोर, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, सारा डेकोरेशन हटा के हमें सही करना पड़ता, तो हमने पहले ही सही कर लिया। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये फ्लावर स्ट्रिंग है, सो एक एक करके हम ये हैंग कर लेंगे। हमारे पास 6 हैं एंड कर्टन्स भी 6 हैं, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सो हम एक के ऊपर एक लगा रहे हैं। एंड फ्रेंड्स ये जो स्टैंड है इसको हमने एज अ वॉल यूज़ किया है, तो कर्टन्स इसमें अच्छे से लग गए हैं। एंड देन उसके ऊपर हम इसमें स्ट्रिंग फ्लावर लगा रहे हैं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ पुष्पिन से लगाने के लिए, लेकिन वो बार बार गिर रहा है। सो मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट हम लोग किस तरह से ट्राई करते हैं। और ये जो पीछे आप लोग स्ट्रिंग लाइट देख रहे हैं ये जस्ट वॉल में ही लगे हुए हैं, तो इस तरह से हमारा डेकोरेशन चल रहा है। सो गाइज अभी मैंने फ्लावर स्ट्रिंग यहाँ पे हैंग कर दिए विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। और जो बीच बीच में गैप आप लोग देख रहे हैं उसमें मैं ये लगाने वाली हूँ। ये भी स्ट्रिंग है, ये फ्लावर मैरी गोल्ड के, बहुत ज्यादा कलर ब्राइट है इसका, तो काफी अच्छा लगने वाला है। और ये मैंने कुछ नए फ्लावर्स मंगाए हैं, ये एक काइंड ऑफ हैंगिंग है जिसमें लोटस बना हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा लगने वाला है। सो देखते हैं मैं इसको कैसे लगाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थंब पिन से या फिर सेफ्टी पिन से ही लगाती हूँ। एंड मेरे पास ये कुछ मैरी गोल्ड के स्ट्रिंग्स भी हैं, सो इनमें जो बीच बीच में स्पेस बचा है इसमें मैं इसको भी हैंग कर दूंगी। सो इस तरह से ये दोनों स्ट्रिंग का जो कॉन्ट्रास्ट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये जो हैंगिंग डेकोरेशन है ना, इसे मैं इंडिया से लेके आई थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो उसको भी हमने बीच में एज अ छतर लगा दिया है। एंड ये प्यारे प्यारे से लोटस भी लगा दिए हैं, इससे एक डिफरेंट लुक ही आ रहा है। ये अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा फैशन में है, सो मैंने सोचा कि मैं इसे ऑर्डर करती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड गाइज हम लोग अपना ग्लास टेबल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई टेबल नहीं है। सो इस पर हम एक सुंदर सी चुनरी लगा देंगे ताकि ये कवर हो जाए, इसमें पता ना चले और एक अच्छा सा लुक भी आ जाए। और ये जो मटके मैंने बनाए थे ये भी मैंने रख दिए हैं, और इस तरह से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये हम अपना बेसिक सा सेटअप रेडी कर लेंगे। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। सो मॉर्निंग में पूजा करनी है तो इतना टाइम नहीं रहेगा, और शानवी का स्कूल भी है, सो वो सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये अच्छे से कर पाएंगे कल मॉर्निंग में, इतना टाइम भी नहीं रहता है। सो ये सारी चीज़ें मैं आज रात को ही कर लूँगी, ताकि जस्ट सिर्फ मैं मॉर्निंग में उठूँ और अपनी पूजा कर लूँ तो सारी चीज़ें स्मूथली चल जाती हैं। और इस तरह से मैंने अपना सेटअप बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के अप्रॉक्स 2 आवर ये डेकोरेशन कर लिया है। बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बट आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स हियर इज अ फाइनल लुक। सो गाइज फाइनली मेरा डेकोरेशन का काम खत्म हुआ। अप्रॉक्स 2 आवर लग गए हमें ये डेकोरेशन करने में, बट रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो वर्थ द एफर्ट। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा कलरफुल है ये, ब्राइट लग रहा है, एंड काफी ज्यादा फेस्टिव फीलिंग भी आ रही है। अगर आप लोगों को नवरात्रि का डेकोरेशन करना है या फिर दिवाली का डेकोरेशन करना है, सो इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गाइज, बहुत कलरफुल लग रहा है। सो कल नवरात्रि है, फर्स्ट डे है, तो मॉर्निंग में मैं उठ के पूजा करूंगी, एंड आज इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है rama_vani06। सो मैं वहां पे काफी लेटेस्ट अपडेट लाती रहती हूँ, सो आप मुझे वहां पे जरूर फॉलो करिएगा। और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। सो चलिए गाइस मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, एंड मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है नवरात्रि का, सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।